राम राम सबने, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करूँ आप सब भी ठीक होंगे। अब एक जुकर बताऊँ की कविता तो गई अपना घर। अरे मैं आज बनाऊ हूँ बाजरे की खिचड़ी। सोची थी के बनाऊ के बनाऊ, फिर मैंने दीदी बाजरे की एक दिन कविता ने बनाई थी खिचड़ी बाजरे की, तो उसमें तो थोड़ा सा बाजरा कुटा होया बचा लिया था उसने। मैंने देखा फ्रिज खोल कने तो एक कुटा कटाया धरिया है, तो मैं सोची चलो आज मौका पड़ा है मैं बना ली हूँ या गेरूंगी मैं चने की दाल। इसमें इसमें धो ली हूँ, यू पानी चढ़ा दिया है हमने, मैं धो कर लेती हूँ। भैया चने की दाल गेरती हूँ, कई दिन पहले बनाई थी कविता ने। बाजरा कुटा करे कृष्णा कृष्णा की ड्यूटी है माम दस्तन तम सोच दे मुखल मुखल को लिया रे कृष्णा अमाम दस्तन में बाजरा कूट दिया करे। अरे एक बार बाजरा कुटिया आम तीन घर खा लिया करा हाँ कृष्णा कर संतोष कर रामे ने कुटिया कर दे। पिछली बार तो कविता ने बना दी थी संतोष वाली खिचड़ी भी, बोली यहीं से ले जाना आंटी के मारा घर में मैं खाया करूं। संतोष दीदी के घर में संतोष दीदी खा करे और कृष्णा और का तो फिर भी नुका खा ले है, बेटा भी खा ले है, वहा भी खा ले है, मैं खा ले मारा घर में तो मैं खा करूँ तो फिर अकेली खाते तो फिर चिंता करेंगे कि उसमें तो बचा लिया था यो। ये मैं बना ली हूँ, पूछूंगी संतोष दीदी ने अगर कहेगी तो फिर उसने भी दे दूंगी मैं भी खा लूंगी दोनों जनी आमिया। एक कटोरी खिचड़ी मारी कई दिन चल रही, मैं फ्रिज में दस दिया करूँ इसने और फिर मैं इसने सुबह शाम ने तो मान ले गरम गरम खा ली अपन या दूध की गेजा घी की गेजा और सुबह खाया करूं बे मैं इसने दही की गेजा। दही की गेजा बहुत बढ़िया लगा करे है और पूरी बना दे होंगे अपने हरियाणा में तो मोस्टली बनावे है खिचड़ी। तो आज मैंने ध्यान आ गया, मैंने देखी तो ये था तो मैं सोची आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। जब खिचड़ी बनने लग रही है दूध गर्म होने लग रहा है, बना ली हूँ मैं खिचड़ी। किस किस को पसंद है खिचड़ी बताइयो, मन्ने भी थोड़ी कदे कदे पसंद है मतलब महीने दो महीने में कभी खा ली ऐसे, और देख लेना यह खिचड़ी मेरी दो तीन दिन चल रही। चलो बना ली हूँ आज मेरे ध्यान आ गया खिचड़ी, भी देख लो उबल की है मेरी है दाल। दाल थोड़ी सी पहले गेरनी पड़े है ताकि यह गल जावे कि मैं घोल दू इसमें खिचड़ी। साथ ही साथ घुमानी पड़ेगी या चम्मच तय ताकि इसमें गांठ ना पड़े। नमक डाल दी हूँ, एक दिन बनावांगे बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी भी बढ़िया लग गया कर मैंने कदे कदे, बाजरे की रोटी दही के साथ, दही के साथ से खा करू मैं और नून घी हो तो और भी बढ़िया है थोड़े से इसमें एक मुट्ठी गेहूं में चावड़ी हो चावड़ा तो थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी पहले इसमें मिला कर रख लेती। चलो कोई नहीं डाल देती हूँ मैं चावड़ा से थोड़ी थोड़ी चिकनी होया कर खिचड़ी जरा थोड़े से डालनी चाहिए अभी डाल दी हूँ। कती थोड़े से चावल गई है देखो, थोड़े से गए मैं चावल, एकदम चिकनी खिचड़ी बन जाओगी।
खिचड़ी का ऊपर घेर दिया कर दे पहले तो चावल। चलो मैंने ये तो होता घेर दिए है चावल, देखिए तो मैं बनने के बाद दिखाऊंगी एकदम मुलायम खिचड़ी। पहले कुटिया कर दे वे चार बजे लाल जा कर दे बजरा कुटर, चार बजे लाली तारा कर दे उसकी, पहले लाली तार दे फिर उसने पे छोड़ कर और फिर उसने बेकर छोड़ दिया कर दे आधा घंटा वो बीचे ना फिर सब मुलायम हो जा कर दे मुसड़े कूट दिया कर दे। सारी सब्जी खिचड़ी बनाया कर दी बाजरे की, जिसको रोटी खानी है वो रोटी खाओ एक आधा होया कर दा कोई नहीं तो सब खिचड़ी खा कर दे पहले बाजरे की, बाजरे होया कर दे पहले खेता में बोया कर दे सीजन के अनुसार बाजरे की रोटी दिन में शाम में खिचड़ी ये चाला कर दी पहले। गर्मिया में गेहूं की सर्दिया में बाजरे की, कदे कदे तो बोर हो जाया कर दे खाते खाते अब कभी गेहूं की रोटी मिलेंगी। फिर जिसको खानी है अपनी गेहूं की नारी पोलो, कई बार तो बड़ा बड़ा कदर आ कर दे पहले गेहूं की नारी बना कर दे और बाजरे की नारी बना कर दे और बाजरे की रोटी कदे सीता चाह की गेला खा के देखियो तो मैं एकदम बिस्कुट के करेंगे उनका आगे इतनी स्वाद लगे कर बाजरे की रोटी ठंडी चाय के साथ नून गाली मस्त एकदम। दूध भी गर्म हो गया है मेरे रह रहे दो चार बर्तन पड़े हैं मतलब चाय चूहे के दूध का पतीला ये कर लू मैं साफ, इतने मेरी खिचड़ी बन जाओगी फिर दिखाती हूँ हमने कैसी खिचड़ी बनाई हमने घी के साथ मस्त खिचड़ी खाने वाली हूँ हमने कई दिन हो गए थे बनाई है ना थी। बिना किसी ने सब्जी कही है बिना बारी तो वे मारे ही मरेगा कर लो अपना टाइम पास भी हो जाओगा धीरे धीरे। कविता की तरह फास्ट काम तो मेरे को होगा कोने कराया करूंगा धीरे धीरे काम, जल्दबाजी का काम बोला शैतान का दे वो जवान खून है हम बुढ़े हो गए कदे उसकी उम्र में तो हम भी फास्ट फास्ट कराया कर दे एक तो धीरे धीरे हो है लेकिन बुढ़ा ले हाँ अपना काम हो गए हैं मेरे बर्तन वर्तन साफ। एक उसमें धीरे धीरे मार दी हूँ चम्मच। अरे एक बात और याद आ रही है बेबे मेरे एक गोजी क्या ना कहा कर है यू बताइए गोजी देखते जो पुराने लोग होंगे वह तो बता देंगे लेकिन आजकल आ रहे ना तो मेरा कौन पाओ किसी ने गोजी क्या ना कहा कर है। और एक चीज और याद आ गई मेरे बढ़ाते बढ़ाते ध्यान आ गए बे खुरचन क्या ना कहा कर खुरचन देखांगे किसने पुरानी बातों का बेरा है और कौन यहां तक मेरी वीडियो देखा है गोजी और खुरचन बताइयो क्या ना कहा कर रहे हैं अगले अगले लोगों में बताऊंगी इनके क्या ना कहा कर रहे हैं वो चीज।
थोड़ी सी कसर रह गई है बने गई है मेरी। ये काटो जितनी धीरे पकाओगे ना जितनी धीरे धीरे सहज पके सो मीठा होए। प्यार से कोई भी चीज बनाओगे बहुत बढ़िया बनेगी। प्यार सारी बीमारियां की दवा है। हर किसी से प्यार से रहो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। उस मालिक के ऊपर विश्वास रखो। कभी किसी की रीछ ना करो उसके पास ये है वो है मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे पास जो है अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए इंसान को कि जो भगवान ने दे दिया है उसकी मर्जी है उसने दिया है जहाँ भी दिया है हमें उसी में खुश रहना है। सुख दिया है तो सुख में खुश रहना है। दुख दिया है वो भी अपना ऐश का काटना है। ये तो नुका कर धूप छाव है कदे धूप है कदे छाव है कदे सुख है तो कदे दुख है। ये दोनों चीज मिली हुई है बेबे ठीक है। और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो। अगले व्लॉग में बता दूंगी किसी के बारे में कुछ तो। मैं तो जू मस्त रहा करूँ दीदी कविता जारी है। थोड़ा सा जी तो को लगता मेरा कविता बिना सही बताऊं बात जो मन खाली खाली कर रही कला खाने ना आवे है। सुमित तो लकड़ रहा है बैठा होगा अपने दोस्त दूर है तो आज तो जिम की भी छुट्टी है उसकी ज्यादा कोई ना संडे है आज संडे है। ये दो फैरना बनाने लग रही हूँ मैं खिचड़ी। श्याम ने तो वो सब्जी बनवाओगा श्याम ने एक ही टाइम सुमित रोटी खाया करे। सुबह उसने खा लिए थे ब्रेड खा लिए थे दूध पी लिया था उसने कॉफी काफी पी ली। सुबह ये चीज खाया करे फ्रूट खा लिए सेब खा ली अंगूर कौन खा कर अंगूर तो मैंने खाए थे। तो श्याम ने बनाऊंगी सब्जी तो मैंने सोची दो फिर मैं के बनाऊ मैंने की खिचड़ी बना ली है तो वही बात है टाइम पास कर लू हूँ अपना वही सतारे ला लू हूँ जी कर जब टीवी देख लू हूँ अपना धीरे धीरे अपना काम कर लू हूँ टाइम पास कर लूंगी। और खुश रहा करो हमेशा मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि सिचुएशन में आदमी ने खुश रहना चाहिए। अपा कभी उदास होंगे कभी सोच के देखना जब कभी आप उदास होंगे ना तो अपने आड़ गोडे दुखेंगे। आधी बीमारी तो अपने यहाँ से है दिमाग से है। अगर हम खुश हाँ तो हमारा कोई बीमारी नहीं पाओगी। अगर हम दुखी हाँ कभी पैर दुखेंगे कभी कहीं से दुखेगा कभी हाथ दुखेंगे ये माइंड से सेट आती बीमारियां। खुश रहा करो और तो सारी बीमारियां का हल भी खुशी में ही है। के साथ देखो हर किसी के साथ कुछ न कुछ तो समस्याएं देखो हर किसी के साथ है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कोई न कोई प्रॉब्लम नहीं हो कोई न कोई समस्या नहीं हो। लेकिन उन समस्याओं का हमने डट का मुकाबला करना है मतलब खुशी खुशी से उनको अपनाना है खुशी खुशी से उनके हल भी निकालने हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका हल नहीं निकले निकालने वाला चाहिए। हर प्रॉब्लम का हल निकल सका है बातचीत के जरिए हर तरह से किसी भी तरीके से हर प्रॉब्लम का हल है वही बात है निकालने वाला चाहिए मिला। चलो फिर मिलते हैं आप एक नए व्लॉग में तब तक के लिए राम राम सबने खुश रहा करो हमेशा राम राम।